नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से मैं आज आप लोग को आधुनिक भारत का फर्स्ट टॉपिक भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन पढ़ाने जा रहा हूँ। यह नोट जो होगा या मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य होगा वह आपको लुसेंट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो बुक है उससे इस टॉपिक को कवर किया गया है और यह आपको आने वाले एग्जाम कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछे जाते हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या सीडीएस, एनडीए, सीएपीए या अदर एग्जाम, उन सब में आपको लाभदायक होगा। मेरा यह वीडियो देखने के बाद आप लोग आसानी से कोई भी कंसेप्चुअल या फैक्चुअल क्वेश्चन जो होगा उसको आप हल कर सकते हैं। आपको इसका झलक अगर ये वीडियो समाप्त हो जाए तो जाके अगर कोई क्वेश्चन बैंक हो उसको उठा के बनाइएगा, नहीं बनेगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा नीचे, और नहीं तो हम वीडियो समाप्त के बाद जब भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का हमारा सीरीज समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप लोगों से हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। भारत में आधुनिक भारत, आधुनिक भारत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो ये पहले समझ लेते हैं कि आधुनिक भारत कहते कहाँ से है, मतलब किस का कहाँ के सन शुरू होगा आधुनिक भारत से। ठीक है, चलिए अब आते हैं। देखिए यूरोप में और भारत में आधुनिक भारत का काल क्रम अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक, चलिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। चलिए इसको समझने के पहले मेरे सबसे आप लोग से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। आगे वाले वीडियो इसी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे, अतः हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचे। और चलिए नेक्स्ट आते हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत भारत में अलग होता है और विश्व में अलग होता है, विशेष करके यूरोप। तो यूरोप में आपको 15वीं 16वीं शताब्दी को, विशेष करके 16वीं शताब्दी, कोई कोई बुक 15वीं शताब्दी बोलता है। ठीक है, 15वीं शताब्दी कहने का मतलब 1400 ईस्वी से, 16वीं शताब्दी का कहने का मतलब 1500 से 1600 के बीच में। ठीक है, तो आपको कोई कोई बुक 15वीं शताब्दी, कोई कोई बुक 16वीं शताब्दी आपको बताता है। ठीक है, तो उसी के आसपास पुनर्जागरण काल शुरू, पुनर्जागरण शुरू हुआ। ठीक है, पुनर्जागरण के साथ ही वहाँ पे आधुनिक भारत शुरू हो गया, आधुनिक मतलब इतिहास शुरू हो गया। और आधुनिक भारत में आपको 18वीं शताब्दी मतलब 1800 के लगभग से आधुनिक भारत शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम अब कहिएगा कि 1800 से अब आधुनिक भारत शुरू होते हैं तो आप हमको यूरोपीय शक्ति का आगमन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी के बाद में ब्रिटिश रूल रहा है भारत पर, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि ब्रिटिश आए कैसे, यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित कैसे किए, इसीलिए हमको यूरोपीय शक्ति का आगमन से आरंभ करना पड़ता है। ठीक, चलिए अब आते हैं यूरोपियन शक्तियों को भारत में आने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, क्या इसके पहले कोई व्यापार नहीं होता था वास्को डी गामा के आने के पहले? नहीं, होता था दोस्तों, होता था। ठीक है, लेकिन वो व्यापार जो था समुद्र मार्ग से न होकर स्थलीय मार्ग से प्रारंभ होते थे, जो आपको पश्चिम एशिया यानी सऊदी अरब, तुर्की, एथेंस यानी यूनान से होते हुए पूरे यूरोप तक जाते थे रास्ता मार्ग। क्या हुआ पश्चिमी एशिया में, ठीक है, राजनीतिक उथल पुथल हुए 15वीं शताब्दी में, और इस राजनीतिक उथल पुथल में तुर्की सम्राट तेजी से विस्तृत हुआ। और यह तुर्की सम्राट यूरोपियन शक्ति जो उस समय आपको एथेंस थी, आपको कुस्तनिया नामक एक जगह है वहाँ पे एथेंस यानी यूनान का शासन था, वहाँ पे तुर्की ने आक्रमण करके उसको अब हड़प लिया। ठीक है, और एथेंस जो था एशिया और यूरोप का जंक्शन पॉइंट था और अधिकांश व्यापार उसी रास्ते से हुआ करते थे। अब यूरोपियों को भारत से व्यापार करने के लिए तुर्की के सम्राज वाले क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे कि तुर्की के राजा या तुर्की के सम्राट थे, खलीफा थे, वो अधिक से अधिक टैक्स वसूला करते थे।
जिससे कि यूरोपियों को भारत से व्यापार करना महंगा पड़ता था। इसीलिए यूरोपियन को समुद्री मार्ग नए तरीके से खोजने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा ये है कि जो पुनर्जागरण हुए, नए नए खोज होने लगे, तो यूरोप के जो राजा थे, ठीक है, अपने अपने देश के नागरिकों को प्रोत्साहित किए कि आप लोग नए नए स्थल का खोज करें और नए नए मार्ग के, व्यापारिक मार्ग का खोज करें, ताकि हमारा एरिया डेवलप हो। ठीक है, इस और इसके साथ साथ वाष्प इंजन का भी विकास हो गया था, जो बोट में लगाकर बोट को आसानी से दूर तक जाया जा सकता था। ये सब कारणों से यूरोप लोग अपने व्यापार को आगे ले गए, ठीक है, और खोज किए। चलिए, सबसे पहले कोलम्बस साहब जो थे स्पेन के निवासी थे और वो भारत की खोज में निकले, लेकिन उनका कंसेप्ट थोड़ा सा गलत हुआ। ठीक है, ये कहते थे कि भारत यूरोप से पूर्व दिशा में है और पृथ्वी गोल है, अतः हम अगर चल पश्चिम की ओर निकलते हैं तो गोल पृथ्वी की गोलाई के कारण पूर्व आएगा ही आगे चल के, इसीलिए सीधे सीधे निकल गए और सीधे सीधे पश्चिम की ओर निकले भारत की खोज में। लेकिन वो भारत में आकर के कहाँ चले गए? उत्तरी अमेरिका चले गए। ठीक है, और एक नए देश, संसार उस समय एक नए महादेश से क्या था, अपरिचित था, परिचित हुआ कोलंबस के कारण, जो क्या नाम था उसका, अमेरिका था, यानी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद वास्को डी गामा आपको 1498 में अपने देश, मतलब उसके पहले निकले होंगे, अपने देश से भारत की खोज पे निकले, और वो केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा होते हुए, ठीक है, आपको मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच के रास्ते से हुए भारत पहुंचे, अरब सागर के रास्ते से होते हुए। ठीक, और यहाँ पे आपको मेडागास्कर के पास में एक उत्तरी व्यापार गुजराती व्यापारी मानिक शाह मिले और उन्होंने वास्को डिगामा को भारत लाया, और वास्को डिगामा सबसे पहले कालीकट, ठीक है, वहाँ पे पहुँचे, कालीकट के बंद एक बंदरगाह पर, ठीक है, उस बंदरगाह पे पहुँचे, और वहाँ का जो कालीकट के राजा थे उस समय वो जोमोरियन थे। क्या थे? जोमोरियन थे। तो अभी तक हम लोग इस यहाँ तक थोड़ा सा आपको पुर्तगालियों के भारत के आगमन के बारे में पढ़े, तो पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में कौन थे, वास्को डी गामा, ठीक है, और कब भारत पहुंचे, तो 1498 में, मई 1498 में, कहीं कहीं 17 मई को मिलेगा, कहीं कहीं 20 मई को होगा, तो डेट होता है उसके पीछे मत भागिए, सन सही होना चाहिए। ठीक, आगे निकलते हैं हम। नेक्स्ट आपको केप ऑफ गुड होप, कालीकट और उत्तरी अब मेडागास्कर, कुछ नए नए शब्द आए हैं यहाँ पे, उसके बारे में परिचित हो जाते हैं, तो आइए देखते हैं हम उसको। ठीक, चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये आपको अफ्रीका महादेश है, ठीक है, अफ्रीकी महादेश के दक्षिणतम बिंदु आके आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहाँ पे, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका ए, ठीक है, देखिए आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसका पूर्व नाम, मतलब अभी जो आशा अंतरिप कहते हैं उसको उत्तम आशा अंतरिप के नाम से भी जानते थे। ठीक, तो इस रूट से होते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपको ये क्या है, सऊदी अरबिया, ये क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको अरब सागर है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मेडागास्कर है, इसी बीच में, ठीक है, ऐसे होते हुए भारत पहुंचे, और भारत में क्या पहुंचे, तो कालीकट में, कहाँ पहुंचे दोस्तों, कालीकट में। अब उसको देखते हैं दोस्तों, कालीकट देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आइए देखिए दोस्तों, ये वाला जो ये कालीकट, यहाँ पे कालीकट है, ठीक है, कालीकट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के राजा कौन थे, जोमोरियन थे। ठीक, चलिए, ये समझ में आपको आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, ठीक, अब देखिए इसके बाद अनेक यूरोपीय कंपनी भारत आई, जिसका कालीकट निम्न था, जैसे पुर्तगाल वास्को डी गामा 1498 में, उसके बाद डच है, ठीक है, 1596 में, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांस 1600-1664 में फ्रांस है। ठीक, चलिए, इसके बाद आपको ये तो हुआ उन उस देश के प्रथम नागरिक के आने का कर, और यहाँ पे कंपनी का स्थापना कब हुआ, या उनके देश में कंपनी का मतलब
भारत से व्यापार करने के लिए कंपनी का स्थापना कर्म हुआ, तो उनका कर्म थोड़ा सा फल जाता है। ठीक है, यहाँ पे पुर्तगाल प्रथम व्यक्ति जो वास्को डी गामा भारत है, और प्रथम कंपनी भी इन्हीं का खुला। दूसरा डच, डच का प्रथम नागरिक कार्नेलिस डी होस्टमान वो भारत है 1596 में। लेकिन डच संसद ने 1602 ईस्वी में प्रस्ताव पारित करके डच ईस्ट इंडीज कंपनी का भारत में स्थापना किया। लेकिन उसके पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हो चुका था। ठीक है, 1600 ईस्वी में हो चुका था। इसीलिए आपको यहाँ पे अगर कंपनी का कालमक्रम पूछता है स्थापित होने का, तो पहले ब्रिटिश होगा उसके बाद डच होगा। लेकिन व्यक्ति का कालमक्रम पूछेगा तो पहले डच होगा उसके बाद ब्रिटिश होंगे, बाकी सब डेनिश फ्रांस स्पेनिश सेम होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्वीडिश स्पेनिश नहीं सॉरी स्वीडिश। चलिए पुर्तगाल, पुर्तगाल अब एक एक करके सबको स्टडी किया जाए, तब पुर्तगाल को आइए। पुर्तगाल में आते हैं हम लोग, सबसे पहले को आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आपको 1498 में आया, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली शक्ति कुछ भारतीय क्षेत्रों जैसे गोवा दमन एंड दीव पे बने हुए थे, और 1461 ईस्वी में भारत से गए। 62 वहाँ पे थोड़ा इरर हो गया। ठीक है, 1461 में गए, भारत सरकार सेना अभियान के उनके खिलाफ नहीं जाने के नाम ले रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद उस सैन्य अभियान के बाद पुर्तगाली शक्ति हार गई और भारत से चली गई। ठीक, चलिए अब हम आते हैं 1498 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्वारेज केपवार भारत आया। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूसरे पुर्तगाली यात्री कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, पेट्रो अल्वारेज केपवार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फिर वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया, भारत आया 1502 ईस्वी में। लेकिन यहीं पे भारत में इसकी मृत्यु 1503 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, अब 1503 ईस्वी में एक सैन्य प्रमुख के रूप में, सैन्य अधिकारी के रूप में आपको अल्बर्ट का आगमन होता है। ठीक है, भारत में, और वो भारत में जब आए तो उन्होंने अपना प्रथम दुर्ग को स्थापना किया, जो कहाँ स्थित है, कोची। कहाँ पे, कोची में। ठीक है, उसके बाद 1505 ईस्वी में इन्होंने ही आपको कुनूर में दूसरा किला बनवाया। ठीक, इसके अलावा जब ये गवर्नर जनरल बन के आए भारत में 1509 ईस्वी में, तो उन्होंने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। इसके अलावा आपको विवाह पद्धति एक थ्योरी था उसको लाए। इसके अलावा अनेकों क्षेत्र को जीते, इसीलिए भारत में आपको पुर्तगाल की उपनिवेश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अल्बर्ट को। ठीक है, कौन भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन का, तो अल्बर्ट। कौन दोस्तों, अल्बर्ट। कौन दोस्तों, देखिए यहाँ पे अल्बर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अल्बर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक, चलिए 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली, अल्बर्ट दूसरे थे, प्रथम प्रथम 1505 ईस्वी में कौन होंगे, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन दोस्तों, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, देखिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, ये हुए। ठीक है, इन्होंने अल्मेडा ने तुर्की मिस्र गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया, जिसको चोला या चोल के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक, चलिए अल्मेडा, अल्मेडा जो थे अल्मेडा, ठीक, ये आपको भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कुछ नीतियाँ लाए, जैसे सात चल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांतिपूर्वक व्यापार करने की नीति। ठीक है, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, शांतिपूर्वक व्यापार, केवल हमको व्यापार करना है। ठीक है, आराम से, उसी के लिए थ्योरी आया। कौन लाया, अल्मेडा। अल्मेडा कौन था, तो पुर्तगालों का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1509 ईस्वी में अल्बर्ट कहाँ आया, 1509 ईस्वी में वायसराय नियुक्ति किया गया। ठीक है, और उन्होंने आते ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने हरमूज, अब हरमूज, हरमूज जो है आपको ईरान, ठीक है, ईरान और आपको यूएई सऊदी अरब के बीच की खाड़ी को हरमूज कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे अधिकार किया। ठीक, और आपको पूरे, आपको जो सऊदी अरब सॉरी आपको अरब सागर है उस पर अधिकार कर लिया, और वहाँ के व्यापारिक मार्ग को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, और इसने अल्बर्ट ने कार्टेज पद्धति को स्थापित किया। कार्टेज पद्धति के अंतर्गत अगर इस क्षेत्र से आपको व्यापार करना है तो हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, किसी भी को लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ तक कि
आगे चल के जब अकबर शासन बने और इस क्षेत्र में व्यापार करना था उनको, तो उनको भी पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक दोस्तों, चलिए ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कुछ और है पुर्तगाली दमन द्वीप पर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि बाद में जब डच डच फ्रांसीसी अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापित हुआ भारत में, तो पुर्तगाली शक्ति का नाश हो गया और पुर्तगाली लोग दमन दीव और गोवा तक सीमित हो गए। ठीक है, और गोवा तक, गोवा में 1961 तक शासन करते रहे। अतः सबसे पहले आए तो कब थे, 1498 में आए, जाए कब गए कब, सबसे अंतिम में 1961 में। इसीलिए सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले दोनों कौन थे, पुर्तगाली थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आते हैं पुर्तगालियों का भारत में योगदान। क्या पुर्तगालियों का भारत में योगदान? ठीक, चलिए तंबाकू की खेती, क्या तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कौन किया था, पुर्तगालियों ने। ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला, ये आपको भवन निर्माण की एक कला है, उसके उसकी स्थापना किया, खास डिजाइन की बनाई जाती है इसमें भवन निर्माण। उसके अलावा पुर्तगालियों, पुर्तगाली ही मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका से आलू, मक्का, तंबाकू भारत लाए थे। उत्तरी अमेरिका, विशेष करके अमेरिका, यूएसए, मध्य अमेरिका, इसमें आपको ब्राजील आ जाएंगे, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में। ठीक है, ब्राजील के कुछ पार्ट आ जाएंगे, उसके बाद वेनेजुएला आ जाएगा, पनामा आ जाएगा, ये सब है। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको तंबाकू, माका और आलू को लेके हैं। ठीक है, पुर्तगाली एशियाई देशों से व्यापार के लिए भारत में अवस्थित नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। कौन बंदरगाह? तो नागपट्टनम, चटगांव। चटगांव कहाँ है दोस्तों? आज बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में। के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर पुर्तगालियों की एकमात्र कोठी कौन थी? दक्षिणी ध्रुव नहीं, दक्षिणी ध्रुव नहीं, सॉरी, दक्षिणी पूर्वी तट पर। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र कोठी कौन थी? संतोमे थी। दक्षिणी पूर्वी तट कहने का मतलब आपको तमिलनाडु के आसपास। ठीक, चलिए अन्य महत्वपूर्ण तत्व में देखते हैं। पुर्तगाली भारत में, जो पुर्तगाली नहीं, यहाँ पे वास्को डी गामा होगा, क्या होगा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में हेक्टर नामक जहाज से आया था। क्या चीज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति पुर्तगालियों ने कौन से शुरू की थी? कौन कौन शुरू किया था? तो फ्रांस, पुर्तगालियों का प्रथम कॉलोनाइजर फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति शुरू की थी। ठीक दोस्तों, चलिए पुर्तगालियों ने भारत में शासन स्थापित करने के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह को बढ़ावा दिया। ठीक है, क्या चीज से? तो भारतीय स्त्री से विवाह से, ताकि उनकी पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ेगी और भारत के समाज को समझ सकेंगे। ठीक, इसीलिए उन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाह को बढ़ावा दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च गोवा में स्थापित किया। ठीक है, चलिए कहाँ पे स्थापित किया गया? गोवा में प्रथम चर्च का स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। क्या किए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। देखिए दोस्तों, सती प्रथा के उन्मूलन पूर्ण रूप से करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1829 ईस्वी में जाता है। उन्होंने एक अधिनियम 17 पारित किया, अधिनियम 17 पारित करके पूर्ण रूप से भारत में पूरे क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया। लेकिन पुर्तगालियों ने अपने ही क्षेत्र में, जो क्षेत्र उस समय जीते हुए थे, ठीक है, उस समय, ठीक है, सती प्रथा पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। विशेष करके आपको पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? अल्बुबर्क, उन्होंने यह प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसके अलावा अकबर ने भी सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कुछ प्रयास किए हैं। पुर्तगालियों ने व्यापार व्यवस्था में कार्टेज पत्ती को बढ़ावा दिया। क्या पत्ती? कार्टेज पत्ती, लाइसेंस पत्ती। विशेष करके ये आपको इसको शुरू करने का श्रेय अल्बोबर को ही जाता है। ठीक है, चलिए पुर्तगालियों के संत, जी प्रसिद्ध संत जेवियर, पुर्तगालियों के संत से उन्होंने अकबर के दरबार में भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डच। ठीक है, डच, ये तो पुर्तगाली शक्ति समाप्त हो गए। अब आराम से जाइएगा, कोई क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आराम से बनेगा। ठीक है ना, चलिए डच, डच लोग जो थे, आपको डच को आज हालैंड के नाम से जानते हैं, या इसको नीदरलैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपको यूरोप के पश्चिमी, पश्चिम और उत्तर में स्थित एक देश है। ठीक है, वहाँ से प्रथम नागरिक आपको भारत आने वाले थे, कार्नेलिस डी हस्टमान, 1556 ईस्वी में। ये भी सेम रूट के अप गुड होप होते हुए भारत पहुंचे। ठीक है ना, और डच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में।
ठीक है, डच संसद के प्रस्ताव पारित करने के बाद में। लेकिन इससे पहले आपको ईस्ट इंडीज कंपनी का स्थापना हो चुका था, कब हुआ था दोस्तों, तो 1619 ईस्वी में, ठीक है। इसीलिए अगर व्यक्ति का आने का क्रम पूछे तो पहले पुर्तगाल, तो डच, तो सॉरी पहले पुर्तगाल, डच, उसके बाद में ब्रिटिश, ठीक। उसके बाद आपको अगर कंपनी के आने का क्रम पूछे तो सबसे पहले आपको पुर्तगाल, तब ईस्ट इंडीज कंपनी, ब्रिटेन वाला, तब डच, ठीक। अंतर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कोरोमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम में डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसके बाद पुलिकट में 1610 ईस्वी में। अब दोनों पूर्वी तट पर ही स्थित है भारत। आइए देखते हैं कोरोमंडल तट किसको कहते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको आते हैं ये वाला जो पार्ट है आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ से लेके उड़ीसा आगे तक चलेगा, वहाँ तक आपको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यहीं पे डच ने सबसे पहले कहाँ पे व्यापारिक कोठी स्थापित की थी दोस्तों, कहाँ पे डच ने सबसे पहले व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, तो आपको मछलीपट्टनम में, कहाँ पे, मछलीपट्टनम में, ठीक है। देखिए दोस्तों मछलीपट्टनम यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूसरा उनका व्यापारी कोठी कहाँ था, तब पुलिकट में। देखिए पुलिकट, पुलिकट मिला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोस्तों, अब हम लोग देखिए एक बात देखे थे आपको, अधिकांश व्यापारी व्यापार कहाँ से करते थे पुर्तगाली, तो नागपट्टनम से, देखे थे ना, तो देखिए यहाँ पे, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। सॉरी मछलीपट्टनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डच लोगों ने आपको पुलिकट में ही सोना का सिक्का जारी किया, जिसको स्वर्ण पैंडोगा या पैंगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पुलिकट के अलावा डोची कोई भी किले किलेबंद नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी किले किलेबंद घेरा नहीं था पुलिकट के अलावा, ठीक है। चलिए डच लोग भारत से सूती वस्त्रों का अधिक निर्यात करते, इसके अलावा वो आपको सोरा, ठीक है, मसाला आदि व्यापार करते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सूती वस्त्र में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। चलिए बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में डच अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हुए। इसके बाद में अपने व्यापारिक कोठी को अंग्रेजों से बेच के, ठीक है, दोनों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंतर्गत डच लोग इंडोनेशिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अंग्रेज लोग भारत में, ठीक है। तब मेन मतलब इंटरेस्ट जो था डचों का, यानी नीदरलैंड का या हॉलैंड का, किस क्षेत्र में, एशिया किस क्षेत्र में व्यापार करने का था, इंडोनेशिया में। इसीलिए भारत से व्यापारी कोठी अंग्रेजों से हारने के बाद में चले गए, कहाँ चले गए दोस्तों, तो इंडोनेशिया चले गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेज प्रति आधारित थी, ठीक है, मतलब शेयर लाभांश, शेयर के आधार पर सबसे अधिक डच लोग शेयर देते थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने सबसे पहले, ठीक है, भारत में वेतन भोगी कर्मचारी रखा, तो कौन थे दोस्तों, डच, डच कौन थे, डच। डचों की भारत में कुछ प्रमुख कारखाना देख लेते हैं। कारखाना कहने का मतलब यहाँ पे फैक्ट्री, कहने का मतलब गोडाउन, आज का गोडाउन, गोदाम, सामान जहाँ रखा था, ठीक है। चलिए मछलीपट्टनम फैक्ट्री नहीं, कारखाना फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, गोदाम है उस समय, गोदाम, ठीक है, फैक्ट्री मतलब गोदाम, ठीक है। चलिए मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, पुलिकट 1610 ईस्वी में, कराईकल पांडिचेरी, ठीक है, कराईकल जो है पांडिचेरी का भाग है। आज जो पांडिचेरी का आप नाम सुनते हैं वो भारत के तीन राज्य में फैला हुआ है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ठीक है। ये आपको आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसका पांडिचेरी और यमन क्षेत्र पड़ता है, वहीं केरल में जाते हैं तो माहे पड़ता है, और कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक दोस्तों। और ये आपको, इसके अलावा पांडिचेरी पर पुर्तगालियों का भी शासन रहा है, और आपको पांडिचेरी पर इनका भी, ठीक है। चलिए इसके अलावा फ्रांसीसी शक्ति भी वहाँ पे शासन स्थापित किया था, और अंग्रेज भी भारत कुछ समय के लिए, जब फ्रांस से युद्ध हुआ, ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो उस समय आपको फ्रांस को अंग्रेज लोग बुरी तरह से पराजित किए, और उस पराजित किए और पांडिचेरी पे भी अधिकार कर लिए थे, लेकिन समझौता के बाद पांडिचेरी को छोड़ दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, बाकी सब क्षेत्र फ्रांसीसी लोग ले लिया गया, ठीक है, समझे, इससे फ्रांसीसी से अंग्रेज लोग ले लिए, ठीक। तो फ्रांसीसी उनके अधिकार में बना रहा, और वो कब भारत सरकार छीना इनसे, फ्रांसीसी से पांडिचेरी भारत सरकार कब छीने, तब
1954 ईस्वी में, ठीक है, समझौता के दौरान फ्रांस जो था पांडिचेरी के क्षेत्र को भारत को सौंप के और चला गया, ठीक है। इसके अलावा चिंसुरा, चिंसुरा जो था बंगाल में प्रथम कोठी थी, ठीक है, प्रथम कोठी थी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पटना, पटना में आपको 1658 ईस्वी में हॉलैंड यानी डचों का प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया, जो आपको पटना विद्यालय, जो पटना पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज जो दिखता है, ठीक है, उसको आपको गंगा तट के किनारे पे है, ठीक है, वहीं पे आपको स्थापित किया गया, तो बंगला आज भी देखिएगा वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसके अलावा ये आपको मैप है, देख लीजिएगा, कुछ मैप में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता ही दिए हैं थोड़ा सा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कौन क्षेत्र कहाँ है आपको अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक है। देखिए चिंसुरा यहाँ पे है दोस्तों, हुगली यहाँ पे है, कर्नाटक यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रहा चिंसुरा दोस्तों, ये हुगली रहा, ठीक है, ये चंद्रनगर रहा, ये भी बंगाल में ही पड़ता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मछलीपट्टनम है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं सूरत, देखिए यहाँ पे सूरत जो गुजरात के क्षेत्र है, ठीक है, प्रमुख शहर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है दोस्तों, आइए अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट आइए दोस्तों, ठीक, ये आपको विदेशी कंपनियों का आगमन एवं वास्तव लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ईस्ट इंडीज कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडीज कंपनी का फुल नाम क्या था दोस्तों, फुल नाम क्या था यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, बस इसी का एक फुल नाम लिखिएगा, और सब फुल नाम लिखा हुआ है उसका जरूरत नहीं है। इसके अलावा कौन सबसे पहले यहाँ पे स्थापित किया अपने कंपनी, कहाँ पे किया गया, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडीज कंपनी का स्थापना 1608 ईस्वी में सूरत में किया गया था, सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई कोई बुक में आपको बोलता है कि 1608 ईस्वी में स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है, और सबसे पहले आपको 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला गया था, जो आपको भारत के पूर्वी तट पर है, लेकिन वो अस्थायी था, ठीक है, अस्थायी रूप से सूरत में ही 1613 ईस्वी में कंपनी की स्थापना किया गया, इसीलिए सूरत को ही हम लोग आंसर मानते हैं। कोई भी एग्जाम में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी का प्रथम बार स्थापना कहाँ किया गया तो सूरत में, ठीक है। 1608 ईस्वी में प्रयास किया गया था, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण मुगल बादशाह अनुमति नहीं दिए, ठीक है, लेकिन इस समय 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन थे, तो जहांगीर, जिनका कार्यकाल 1605 से 1628 ईस्वी तक था, ठीक है, तो उन्होंने अनुमति नहीं दिया, तो उसने मछलीपट्टनम में अपना व्यापारी कोठी खोली, लेकिन ये अस्थायी था, अस्थायी रूप से 1613 ईस्वी में सूरत में अनुमति मिलने के बाद में फैक्ट्री खोली गई, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये रहा यहाँ पे देखिए भारतीय क्षेत्र, जो अंग्रेजों द्वारा दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो आपको मछलीपट्टनम था, ठीक है। इसके अलावा आपको दोस्तों फ्रांसीसी प्रधान कार्यालय कौन था, पांडिचेरी था, ठीक है। चलिए अब ये वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं, इसमें आपको पूरे पीडीएफ देंगे, ठीक है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो मेरा प्रथम वीडियो था, यूट्यूब पे मेरा प्रथम वीडियो था, अतः अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सुझाव देना हो, कोई भी टॉपिक को वीडियो बनाना हो समझ के, तो आप लोग हमको बताइएगा, उस टॉपिक पर हम आप लोग को वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, मेरे सीरीज जारी रहेंगे, आप लोग इसके बारे में कुछ कमेंट कीजिएगा कैसा है, ठीक। चलिए दोस्तों ठीक है, तो नमस्कार, चलते हैं, ठीक।